ठीक है। नंबर वन, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके अंदर क्या वो खास बात है जिसके लिए आप बने, उसे ढूंढना। ये कोई आपको नहीं ढूंढ के देगा। उसका सबसे आसान तरीका ये है, कौन सा ऐसा वो काम है जिसे करते हुए आप कभी भी थकते नहीं है, आपका जोश और बढ़ता है। आपका जिस्म तो थक जाता है लेकिन आपका दिल और दिमाग ये कह रहा होता है कि नहीं, मुझे और वक्त मिलता तो मैं और ये करूं। अब यहां पे क्रिकेट खेलने वाले कितने बच्चे बैठे हैं? एक, दो, ठीक है, तीन। अब आप लोगों को क्रिकेट खेलने में मजा आता है, जिसम थक जाता है, धूप होती है, सब कुछ होता है, लेकिन आपको मजा आ रहा होता है ना। आपका दिल चाहता है कि अम्मी अब अभी ना कहें बस कर ले। अच्छा, फुटबॉल खेलने वाले कितने बच्चे बैठे हैं? ओके, दो, तीन। अब आपका शौक क्या है कि जी आपको रोका ना जाए फुटबॉल खेलने से, है ना। आपको जितना टाइम मिले आप फुटबॉल खेले, आपका जिसम थक भी जाए आप कहते हैं यार थोड़ा सा और खेल। तो आइडेंटिफाई करने के लिए कि आप किस काम के लिए बने हैं, वो काम आपको थकने नहीं देता। आपका जिसम थक जाता है लेकिन दिल और दिमाग थकता नहीं है। आइडेंटिफाई करें सबसे पहले। आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, आप सब कुछ नहीं बन सकते। आप एक ही वक्त में एक अच्छे शायर भी बन जाएं, एक अच्छे फिलोसोफर भी बन जाएं, एक अच्छे साइंटिस्ट भी बन जाएं, एक पायलट भी बन जाएं, एक डॉक्टर भी बन जाएं। एक मकसद अपना सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि वो क्या है आपकी सारी जिंदगी के लिए। वो कुछ भी हो सकता है, उसे आइडेंटिफाई करें। और फिर दूसरा काम आपने क्या करना है, उस पर रोजाना मेहनत करनी है। कंपाउंड इफेक्ट। एक कतरा अगर पहाड़ की बुलंदी से नीचे चट्टान पर गिरता रहे तो वो रोजाना गिरने की वजह से उसके अंदर सुराख पैदा कर देगा। हालांकि चट्टान बड़ी सख्त होती है ना। अगर आप कोई भी काम थोड़ी देर के लिए करें, वो एक बड़ा मशहूर वाक्या है कि शतरंज बनाने वाला एक शख्स अपनी शतरंज जब पहली बार उसने बनाई तो वो बादशाह के पास लेकर आया और कहा कि मैंने शतरंज का गेम बनाया है, आप इसे देखें, अगर आपको पसंद आए तो मुझे आप इनाम दीजिए। तो जब बादशाह ने शतरंज का गेम खेला, उसे बहुत पसंद आया। उसने कहा कि अच्छा मांग क्या मांगता है? उसने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने फिर भी बादशाह ने कहा कि नहीं, मैं बहुत खुश हूं, मैं देना चाहता हूँ, बता क्या चाहता है। तो उसने कहा अच्छा आप एक काम करें, इस शतरंज के जितने खाने हैं उसमें चावल का दाना रखें, और लेकिन इस तरह से रखें कि हर अगले खाने में उससे दुगने हो। यानी कि पहले खाने में अगर आपने दो चावल के दाने रखे हैं तो दूसरे खाने में, तीसरे खाने में आठ डबल हो जाएंगे, फिर चौथे खाने में। बादशाह ने कहा ये क्या बेवकूफी है, मैं तो उसे सोना चांदी पता नहीं क्या कुछ देना चाह रहा था और ये मांग रहा है सिर्फ चावल के दाने। वजीर से कहा कि जाओ गिनकर इसे चावल के दाने दे दो। वजीर और सारे लोग वो जब शतरंज के खानों के पास बैठे और गिनने लगे, तो गिनते गिनते जब वो 40वें खाने के पास पहुंचे, भागते भागते वापस आए बादशाह के पास। बादशाह सलामत, ये शख्स तो बड़ा ही चलाक निकला। बोला क्यों? कहा कि जब हम गिनते गिनते पहुंचे हैं 40वें दाने के पास, तो हमारे पूरे मुल्क का जो चावल का अनाज है वो खत्म हो गया। अब दुगना करना है तो हमें फिर उतना ही और चाहिए, यानी अभी हमें पड़ोसी मुल्क का सारा चावल चाहिए। जब ये दो मुल्कों का चावल जमा हो जाएगा तो उसे अगले खाने में फिर मुझे हमें चार मुल्कों का चावल चाहिए, और इतना चावल पूरी दुनिया में नहीं है जितना इसकी शतरंज के दानों को भर सके। तो कंपाउंड इफेक्ट क्या होता है कि आपने एक मकसद बना लिया, उस मकसद पे रोजाना आप 10 मिनट की मेहनत करना शुरू कर दें, तो हो सकता है कि पहले 30 दिन आपको कोई रिजल्ट नजर ना आए, लेकिन 31वें दिन जादू शुरू हो जाएगा, और जब 60 दिन पूरे होंगे तो फिर वो जादू बढ़ता जाएगा। इसे कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट। तो हमारी सबसे बड़ी नाकामी की वजह क्या होती है कि हम किसी काम को अपना मकसद तो बनाते हैं लेकिन रोज उसके लिए मेहनत नहीं करते। आपको एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, आपको सब्जेक्ट का सिर्फ अच्छा लगना जरूरी नहीं है, उसे रोजाना 10 से 15 मिनट देना जरूरी है। जब वो रोजाना आप 10 से 15 मिनट देते रहेंगे तो एक वक्त आएगा कि आप उस सब्जेक्ट में क्या हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। सिर्फ सोच लेना कि हमें ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है काफी नहीं है। दूसरी चीज, अब तीसरी चीज क्या है, वो तीन झूठ जो हम मुसलसल
अपने आप से बोलते हैं या लोगों से सुनते हैं, वो तीन झूठ क्या है? सबसे पहला कि हर चीज बराबर अहम है। तो ये मसावत में या अदल इंसाफ में तो हो सकता है, लेकिन हर चीज बराबर अहम नहीं है। क्यों अहम नहीं है? क्योंकि आपका जो मकसद है, अगर आप पूरे दिन के अपने सारे जो काम है उन्हें बराबर अहमियत देंगे, तो फिर हो सकता है कि किसी ऐसे काम को आप ज्यादा वक्त देते रहे जो आपके लिए अहम नहीं है। जैसे कि इंटरनेट बहुत ज्यादा देखना, बहुत ज्यादा गेम खेलना, बहुत ज्यादा घूमना फिरना, क्योंकि ये वो चीजें हैं। आपने अगर सोचा कि जी जितनी पढ़ाई जरूरी है उतना ही खेल जरूरी है, उतना ही खाना जरूरी है, उतना ही टीवी देखना जरूरी है, उतना ही रिश्तेदारों के साथ घूमना फिरना जरूरी है, तो फिर वही बात होगी कि आप 10-12 खरगोश इकट्ठे कैसे पकड़ेंगे। आप वो जो काम है जो सबसे ज्यादा अहम है उसके ऊपर आपने ज्यादा तवज्जो देनी, बाकी काम जो अहम नहीं है। मल्टीटास्किंग करने की जब कोशिश करते हैं हम, तो हम अपने मकसद से, क्योंकि मल्टीटास्किंग जो है वो हर प्रोडक्टिविटी नहीं दे रही होती, तो आप मल्टीटास्किंग बनने के बजाय जो आपका जो मकसद है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें। दूसरा झूठ जो मैंने आपको भी बताया कि मल्टीटास्किंग की कोशिश करो कि मैं तो सारे काम बहुत अच्छे से कर लेता हूं। तो एक शख्स बहुत अच्छा ड्राइवर हो सकता है, बहुत अच्छा कुक नहीं हो सकता, शेफ नहीं हो सकता। आप घर में देख लें, बहने या भाई हैं, उनमें किसी एक बात काम की बहुत अच्छी सलाहियत होती है लेकिन दूसरा काम उसे नहीं आता। तो आप मल्टीटास्किंग बनने की कोशिश करेंगे तो आपका वो जो एक खास मकसद है वो रह जाएगा। और तीसरा झूठ कि आप अपनी जिंदगी को मुतवाजन बनाने की कोशिश करें। मुतवाजन बनाने से मुराद ये कि जी मैं तो सारे काम बराबर करूंगा। हमें कहते ना पड़े वक्त पर खेलो, वक्त पर खाओ, वक्त पर सो जाओ। तो वक्त पर खेलने, खाने, सोने और पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप सबको बराबर वक्त दें, बल्कि जो काम आपकी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसे आपने तवज्जो ज्यादा देनी है, और जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है उसको आपने थोड़ा सा कम टाइम देना है। ठीक है, आप सारी चीजों को इकट्ठे बैलेंस नहीं कर सकते। मतलब रोनाल्डो अगर ये सोचता कि फुटबॉल की तरह उसकी पढ़ाई और उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त अहबाब ये सारे जरूरी हैं, तो वो ज्यादा टाइम अपनी प्रैक्टिस को ना देता बल्कि उन कामों को देता जो काम उसके अंदर वैल्यू पैदा नहीं कर रहे, उसके काम में हेल्प आउट नहीं कर रहे। तो आपने क्या सीखना है, ये तीन जो झूठ हैं इन्हें आपने अंडरस्टैंड कर लेना है, ये आपको हेल्प आउट नहीं करेंगे। अच्छा, फिर जो इसके बाद पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 कि आपका मकसद जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा आपको मेहनत।